मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे, सागर का ज्वाइनिंग का दिन। सो अभी टाइम 11:45 हुआ है, हम लोग 10 बजे को उठ गए थे बिकॉज सागर उठ गया था एंड उसने मैसेज चेक किया, तो मैसेज पे उसको विस्तारा का SMS आया था कि योर फ्लाइट डिटेल्स एंड ऑल दैट। तो उसकी नींद उड़ गई, उसकी नींद उड़ गई तो उससे मेरा भी नींद उड़ा है। उससे मैं बड़ा हरामी हो बेटा जो मुझे इसका PR में रिसीव है और कुछ कुछ रिटर्न के लिए टिंग टोंग कंटिन्यूस हो रहा था, तो उसके लिए मेरी भी नींद उड़ गई। एंड उन लोग फिर कोड वोड मांगते हैं ना, उसको तो ज़्यादा ही नाटक है आजकल कोड मांगने का हर चीज़ के लिए। तो सागर तो सागर है और सागर फुल एक्टिंग करेगा। सुबह से मेरे को कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कल से कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। कंट्रोल कंट्रोल उदय, तो मतलब तू, मैं चाहती हूँ कि तू बोले, दुख हो रहा है, एक्सप्रेस करे। हाँ तो मैं बोला तेरे को, उसमें क्या एक्सप्रेस करना है इतना, तब सब बोला कि गाड़ी आंख से क्यों देख रहे थे, जाने का मन नहीं कर रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है, क्या करे। अरे तू बाल पहले जाके कट कर, So, इस बार तो मैं रोई नहीं सागर, राइट? थोड़ा सा रोई थी उस दिन, रोई ना उस दिन पर, तो हाँ इसके बाद मैं ऐसा रोई नहीं है। इसके लिए आप देख सकते हो मेरी आंखें एकदम प्रॉपर है, लास्ट टाइम तो मेरी आंखें एकदम सूज गई थी। चल झूठा। तो अभी सागर के लिए बनाया मसाला डोसा एंड फिर जाऊंगा हेयर कटिंग के लिए। हाँ जल्दी जाके आप, काम खत्म करेंगे फटाफट। हाँ मतलब सब रेडी करके रखते हैं ना, और फिर तेरा लास्ट च्यवनप्राश एंड कुछ कुछ रखना है ना लास्ट मिनट, और तेरा क्रॉक्स वॉक्स वगैरह रख के रखते हैं, सब पैकिंग करके रखते हैं। तो चलिए आपको मिलता है थोड़े टाइम के बाद, बाय गाइस। तो गाइस सागर ऑलरेडी आधा खा चुका है, कैसा लगा? मस्त। अच्छा है बटर मसाला डोसा, मज़ा आ गया। और ये रहा मेरा प्लेट, टेस्टी है, इसके लिए खा रहा हूँ, जाने के डर, खाने का मन भी नहीं कर रहा। ओह तो गाइस सागर आ चुका है एकदम स्कूल के बच्चा लोग का जैसा बाल कट करके, इससे छोटा नहीं हो सकता था क्या तेरे को? बस हाथ पकड़ने होते क्या, बहुत छोटा कर दिया, इससे छोटा मैंने कभी देखा नहीं तेरे को सागर। वो चपटा है अभी, बिकॉज अभी बाल उसने पानी मारा है। हाँ नहीं ठीक है ना, अभी तो वैसे भी शिप में तो छोटा ही चाहिए, वैसे भी काटने के लिए कोई है नहीं शिप में। सो गाइस अभी सागर कर रहा है लंच, जो कि दाल राइस भाजी पिकल पापड़ सब फेवरेट उसके, और बताती हूँ आप लोग को गाइस जब ज्वाइनिंग का टाइम आता है ना, तब इतना कॉल आता है मैसेजेस पे मैसेजेस आते हैं कि उसको टाइम ही नहीं रहता है। जैसे आपको बताया मैंने अभी एक झलक दिखाई ना, वैसे कॉल आते रहते कंपनी से, थ्रू कोऑर्डिनेटर से, फिर जो दूसरे ज्वाइनर्स हैं उन लोग से, ट्रैवल एजेंट से, सब लोग से आते रहते भाई। सो चलिए अभी करते हूँ, 3 o'clock हुआ है अभी, सागर निकलेगा 8 बजे करीब, 5 hours टू गो। सो गाइस मैंने सागर के लिए मंगाया ये क्रैनबेरी कीटो चीज़ केक, कीटो तो हम लोग कर नहीं रहे पता नहीं। हाँ ये मैंने मंगाया था यहाँ से बेक्ड दर्जी से, जो कि मैंने इंस्टाग्राम में देखा था। अरे साइड में लग गया, इधर खा लेती हूँ थोड़ा ना। नो बस तू स्टार है ना, चल। मैंने मंगाया था, मेरे को लगा था सागर शिप पे चला जाएगा तो मैं अकेले खा लूँगी, लेकिन आ गया पहले ही। क्या बात है सर, ये बात है। तो सागर के मतलब सागर का भी इसमें है नाम, इसके लिए दाने दाने पे लिखा है। मेरे को लगा मेरे को देगा तू, खाना पूरा खाना, ऐसे क्या खा रहा तू, अच्छे से खा। खास नहीं है वह, हमेशा खाते हैं, वैसे इतना नहीं है खास। ये जो है ना, ये ना, ये एक मिनट चलो मैं खाती हूँ अभी। बटर है ना एकदम, बटर थोड़ा और अपने पैलेट पे लगता है वाला चीज़, अच्छा है, सब बुरा नहीं है। अंकर है अंकर, बुरा नहीं है बट वैसा जैसा हम लोग का एक्सपेक्टेशन था, जो हम लोग ने दिल्ली में खाया था वो दूसरा है ना। मैं इतना तो खाएगी बिकॉज चीज़ तो खाती नहीं जाती।
बट चीज केक है नहीं था, और अभी पूर्वी को बुलाएंगे तो एक पैर में आ जाएगी उड़ के आई। सो गाइस अभी सिंगापुर से जॉइनिंग है, 7:15 हो गया है, 8 बजे को गाड़ी आने वाली है, और अभी हम लोग भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, हाँ हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, और कुछ SG अराइवल कार्ड भी है जो अभी हम लोगों ने देखा था, अभी फटाफट हम लोग वही भर रहे हैं अभी, तो ऐसे ही होता है लास्ट मिनट में ना कुछ 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 कुछ। हे गाइस, तो 8 बज गए हैं, 8:10 हुआ है, अभी तक आया नहीं है, उन्होंने कहा कि और आधे घंटे लगेगा उनको भी, ट्रैफिक में वो तो उसको पहुँचते पहुँचते 8:40 हो जाएगा, तो मैं बाय द टाइम मैं एयरपोर्ट पहुँचूंगा मुझे लगता है 9:30 हो जाएगा मेरे को ना, हाँ देखते, बट आजकल तो फास्ट हो जाता है, अभी वो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें रहेगा ना लास्ट उनका चेक इन टाइम कब है, हाँ वो तो बोर्डिंग गेट तो 1 घंटे पहले ही होता है लोग, वो सब छोड़ो वो तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी जाके भी क्या करना, सागर को हम लोग ने मेथी पराठे पैक करके दिए हैं ताकि वो खा सके, मतलब वैसे तो लाउंज में जा सकते हैं एंड होटल वोटल में खाना वाना मिलेगा, बट कभी कभी ऐसा रहता ना मन उनका खाना अच्छा नहीं लगेगा तो, हाँ और कल सुबह मैं पहुंचूंगा अगर होटल में ब्रेकफास्ट नहीं मिला तब तक तो भी वो भी है चीज़, हाँ, वैसे नहीं मिलेगा ब्रेकफास्ट क्योंकि, हाँ बाय द टाइम मैं पहुंचूंगा 11:30 बज जाएगा, ब्रेकफास्ट तो बंद ही हो जाता है, या तो लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आप मंगा सकते हो रूम में, बट देख वो एजेंट को पूछना पड़ेगा क्या है सीन, वो तो छोड़ते हैं अभी, और अभी ऐसा जाने के टाइम में ऐसा लगा मन नहीं कर रहा है ना, क्या बोले बिहार बार का ऐसे ही लगता है, जो सी फेरस लोग होंगे उनको तो पता है, उनकी फैमिली को भी पता है कि एक बार रोके तो हो गया मेरा भी, मैं इसको ये बोला कि इतना रो मत अभी, क्या करे अभी, सुबह से ऐसा ये कर रही थी क्या कंट्रोल ना, कंट्रोल तो मैं भी अभी गया था वॉशरूम में तो मेरे को ऐसा रोने जैसे आ रहा था, बिकॉज जब आपका माइंड आइडल रहता है ना वो टाइम में फिर बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है, आपको बहुत इमोशनल रोने आ जाता है, तो इसके लिए बातचीत करते रहे या कुछ और काम करते रहे तो थोड़ा ध्यान भटका रहता है, या तो आप अगर सोचते सोचते ना वो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, हर बार का ऐसे ही है, क्या करें अभी, काश कोई ऐसा जॉब, ऐसा जॉब इधर ही होता, या ऐसा होता कि वाइफ को हमेशा लेके जाओ साथ, क्या करें अभी हर जगह का ये इशू है, कोई नहीं, ऐसा लग रहा है हम लोग पाउडर डाला है तू तो ऐसे ही लग रहा है पाउडर डाला, मैं तो अभी शेव किया तो पूरा मेरा एकदम मक्खन जैसा लग रहा है शेव, इधर से आ जाओ ठीक है, इधर से थोड़ा अच्छा, वो जरा ऐसा लग रहा है कि लाइट है, वो लाइट थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो गाइस अभी मैं आपको कम दिखूंगा इस चैनल पर, पूजा ही ज़्यादा दिखेगी, बट आई विल बी बैक सून, हम दोनों साथ में आएंगे बहुत जल्द, इतना मत ये कर, इमोशनल है बहुत ज़्यादा, मैं भी हूँ बट मेरे ज़्यादा आंसू निकलते नहीं है, तू समझा, हाँ नहीं तू समझा नहीं, बट आई लव हर वेरी मच एंड आई विल मिस हर एंड शी विल मिस मी टू, बट हम लोग टच पे रहेंगे एज यूजुअल, इतना ही नहीं बट फिर भी, और अभी क्या, बस बस सागर बोल रहा था तू नीचे छोड़ने को आएगी ना तो तू वॉकिंग भी कर लेना, अभी ऐसा हालत है वॉकिंग करो उधर, नहीं मैं ऐसा बोल रहा था कि बात करते करते मम्मी इधर घर आएगी तो फिर ज़्यादा याद आएगा एंड ऑल, तो इसके लिए मैं बोला कि थोड़ा ध्यान भटका ना, मेन वही है ना, जैसे वो मूवी में बोला था अपना दिल ऐसा होता है ना कि उसको बुद्धू बना के रखने का ना, कोई नहीं बस बस, तो मैंने सागर को बोला है कि फ्लाइट में चढ़ने तक तू वीडियो शूट कर लेना, उसके बाद तू अपने चैनल के लिए शूट कर, तू आपको सागर अभी आगेगा मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट फ्लाइट है मेरी तो जितना हो सकता है उतना मैं आपको दिखाऊंगा, रोना इतनी दब रो रहा है क्या मेरे को, ऐसा रोना रोना, चलिए मिलते हैं, आ गया चलो, तो गाइस आपको टाइम दिखा दूं मैं, 8:50 है, चलो तो गाइस सागर वो इतने दुखी से कर रहे हैं ये सब क्या करे भाई, चलो तो करना है भाई, आप ही पेट का सवाल है, कैसा लग रहा है आफ्टर, मुझे लगता है बहुत लग रहा है 4 मंथ्स
क्या मजबूरी में काम। हाँ सागर बोल रहा था तुम लोग नीचे वॉकिंग करो। सो गाइस अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं वॉकिंग करूँगी, मैं और तो मैंने शूज़ पहन लिए, मम्मी भी पहनने वाली शूज़ अभी, और हाँ और मैंने हैंकी भी लिया इन केस ऑफ टीयर्स टीयर्स टीयर्स। चलो कैसे बैंक दे सो वो जो बैग है वो पूर्वी लोग को देना है अभी ऑन द वे, इसमें केक है, पूर्वी आएगी नवीन आएगा उधर। हाँ आलू बरी दिले देख उधर ही रखा है, उसको कॉल कर नवीन को। चलो हाँ चलो ओके चलिए चलिए मैं करता हूँ उसको कॉल करता हूँ फोन करता हूँ ठीक है ना। हाँ चलो बाय बाय बाय। सब इमिग्रेशन सब कुछ हो गया, अभी वो वेट कर रहा है और अभी मेरी बात हुई थी उससे और अभी फ्लाइट पे बैठ चुका है, फ्लाइट अभी टेक ऑफ करने वाला है, 12:45 हुआ है। एंड मैं नीचे तो वैसे रोई नहीं, मैंने अपना को बहुत संभाला, बहुत ज़्यादा मतलब लोग थे एंड मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, अंदर ऐसा आ रहा था आंसू इतना ज़्यादा, बट अच्छा हो गया। फिर मैं वॉकिंग करने गई मम्मी के साथ वहीं पे, सो थोड़ा सा ना मन बहल गया मेरा। एंड अभी मैं थोड़ा टीवी देखूंगी, अभी सागर से बात कर रही थी, मैंने बोला फिर चल अभी टेक ऑफ होने वाला है तू रख देना। और अभी ग्रीन टी सब भी बनाया अपने लिए, मैं तो सागर हमेशा बनाता था ग्रीन टी मेरे लिए ना फिक्स है, वो हमेशा ग्रीन टी मेरे लिए बनाता है, तब मैं सब फेस वॉश सब करके आता हूँ, मेरे लिए ग्रीन टी रेडी होता है। तो अभी खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा भाई, तो चलिए अभी क्या ही बोलो अभी दिस, अभी इसका अभी मैं क्या अभी और बोलूँ ना, अभी जितना बोलूँगी उतना ज़्यादा मुझे रोने आएगा। सो चलिए वैसे ये था वीडियो एंड आगे की जर्नी आपको सागर के चैनल में मिलेगी एंड जैसे उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखना। वो भी मैंने कहा है उसे कि वीडियो बनाना आगे कभी, क्योंकि सागर की आदत कैसी पता है, वो है ना बीच में बनाते फिर बीच में छोड़ देता है, उसको याद नहीं रहती और फिर कुछ काम आ जाता है कुछ ना। तो सागर का सीट अभी लास्ट, सागर का मैसेज यार, सागर का सीट अभी लास्ट सीट था। तो लास्ट सीट में क्या होता है, आप रिक्लाइन नहीं कर सकते, पीछे नहीं ले सकते आपके चेयर को, तो फिर सागर ने एक्सचेंज किया, बोला अभी कि आगे खाली है तो आगे जाके बैठू क्या, तोरण वाला कहाँ, तो सागर अभी आगे बैठ गया, तो अभी वो शायद सोएगा अच्छे से। तो चलिए मैं आपको बाद में बात करती हूँ, सागर का मैसेज आ रहा है। तो चलिए गाइस गुड बाय, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। आई विल बी बैक, अभी आई बोलने की आदत लगाना पड़ेगा, तुम लोग बोलती थी वी विल बी बैक, आई विल बी बैक विद सम अदर वीडियो, सम अदर टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल। सो गाइस आई एम बैक, अभी मैं सोने जा रही थी तो पता नहीं अचानक से ऐसा इतने दूर दूर से मैं रोई हूँ ना, क्योंकि इतने टाइम से मतलब जब से मालूम पड़ गया है कि सागर का जॉइनिंग है तब से मैं रो नहीं रही थी, मैंने बहुत कंट्रोल किया। आपने लास्ट वीडियो जब देखा होगा, लास्ट टाइम सागर की जॉइनिंग थी तभी तो मैं एक हफ्ते पहले ही रोने स्टार्ट करती थी, बट इस बार ना आई वाज नॉट क्राइंग, आई वाज कंट्रोलिंग, बिकॉज सागर भी बहुत दुखी हो जाता है फिर, इसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग किया मैंने। अभी टीवी देखते टाइम कुछ नहीं लगा, बट अभी सोते टाइम ना बहुत याद आ रही थी सागर की, ऐसा लग रहा था अरे यार अभी कल तो इधर बाजू में ही था सागर, तो बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं तो उसको शर्ट भी ढूंढ रही थी एंड उसकी जो खुशबू है ना बहुत याद आ रही थी मुझे, तो इसके लिए ऐसा मतलब रोई हूँ ना, मैंने पूरा स्किन केयर किया था अभी, मतलब अभी रोई हूँ, आँखें ऐसी लाल हो गई पूरी। सो जब मैं ये क्लिपिंग मतलब डाल रही हूँ, रोने का क्लिपिंग किसको अच्छा लगता है डालने का, बट मैं इसीलिए डाल रही हूँ कि ये दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा
अटैचमेंट तो रहता ही है ऑब्वियसली. सो ऐसा नहीं कि लोग ना रे एक ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग है, नहीं, सब लोग को आता है रोने. स्पेशली ये मैं बोल रही हूँ वाइफ्स लोग को, स्पेशली मैं उनको बोल रही हूँ जो शादी करने वाले अभी माशन में भी सेलर से या ऑलरेडी जिनकी शादी हो चुकी है. सो आपको भी मेरी तरह ही आप भी फील करते रहोगे जब उनका जॉइनिंग आता है, आप लोग भी रोते रहोगे. सो इसीलिए मैं वन टू वन कॉन्वर्सेशन करना चाहती हूँ, मतलब कि इट्स ओके टू क्राई, यू नो. कभी कभी ऐसा अकेले में रोना थोड़ा ऐसा लगता ना कि कोई नहीं चाहिए, बस मेरे को अकेले चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू क्राई माई हार्ट आउट. तो इट्स ओके, ऐसा अभी थोड़े दिन लगेंगे फिर नॉर्मल हो जाओगे, बट ठीक है, मैं भी हूँ आप लोग के साथ. तो वही मैंने बोला अभी, मैं एक्चुअली ना मैंने लाइट बंद कर दिया था एंड बट आई वॉज स्टिल क्राइंग. तो मैंने बोला नहीं, आई शुड नॉट जस्ट शो यू माई स्ट्रॉन्ग साइड बट वीक साइड भी पता होना चाहिए, मतलब कि वीकनेस होता है, अभी क्या करें, मतलब वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. कुछ नहीं, मैंने अपने बहुत समझा कि कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं, 4 महीने की बात है, अगर आ जाएगा टेंशन मत लो, आ जाएगा. मैंने अपने बहुत समझा. तब जाके मैंने बोला कि ये क्लिप तो डालना बनता है ताकि आपको भी मैं थोड़ा हिम्मत दे सकूँ कि रोने आएगा तो रो लेना. पता है मेरे को कितना हार्ड होता है, कितना डिफिकल्ट होता है. यू नो तब थर्ड पर्सन को ऐसा लगता है ना कि ओनली फोर मंथ्स, तो यार लाइक इट्स ठीक है ना यार, ठीक, बट उनके लिए ठीक है, बट हम लोग को पता है कि हमारी जो दर्द है वो किसको बताए, कोई है नहीं. मैंने बोला हर एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक अलग इम्पोर्टेंस लेके आता है, सो आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते. सो अभी रात के 2:30 हुए और मैं अभी सोने जा रही थी, बट इतना मेरे को वो ज़्यादा ही कुछ इमोशनल हो गई थी मैं. सो मैं सागर का फ्लाइट भी ट्रैक कर रही हूँ लाइव ट्रैकिंग से कि कहाँ पर है अभी वो. विशाखापट्टनम पर है अभी, थोड़े टाइम में वो इंडिया से बाहर निकलने वाला है. सो कुछ नहीं, हम लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे. टू ऑल द वाइव्स, वी आर स्ट्रॉन्ग, है ना.